हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं करेले की कलौंजी बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी देखते हैं। करेले को अच्छे से छील करके धो करके साफ़ कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इसे। अब देखिए, करेले के अंदर का बीज बहुत कड़ा है तो इसे हम निकाल करके फेंक देंगे। जिस करेले का बीज थोड़ा सा नरम रहेगा उसको हम यूज कर लेंगे मसाले में। ये पानी चढ़ा दिया गया इस पर, इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे और करेले को थोड़ा सा बस उबाल लेंगे हल्का सा सॉफ्ट होने तक, ताकि जब हम करेले का कलौंजी बनाए तो अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा उबाल लेंगे। इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। प्याज, लहसुन और मिर्ची ले लिए हैं थोड़ा सा। इसको मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए करेले उबल गया, हम इसको निकाल लिए पानी में से। अब इसमें ऑयल डाल के जो मिक्सर में मसाला पीसे थे उसे डाल दिए हैं। अब हल्दी, नमक। फ्रेंड्स, ये कलौंजी मसाला है। हम घर पे कलौंजी मसाला तैयार करके हमेशा रखते हैं। 2 चम्मच कलौंजी मसाला डाल दिए हैं, थोड़ा सा हींग डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम कलौंजी का जो बीज निकाल के रखे थे जो सॉफ्ट था उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। अब देखिए मेरा करेली सॉफ्ट हो गया है एकदम, मसाला भी पक गया है अच्छे से। अब करेली में अच्छे से भर लेंगे मसाले को। देखिए तेल चढ़ा दिया है हमने, इसमें फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, 10-15 मिनट लगेगा ढक करके। और देखिए हमने अच्छे से उलट पलट के फ्राई कर लिया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।